थर्ड सेशन ऑफ आवर लाइव सीरीज. वी टिल नाउ वी हैव कवर्ड सम सेक्शंस ऑफ लीगल एप्टीट्यूड एंड सम सेक्शंस ऑफ पॉलिटी. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज एप्टीट्यूड. द मोमेंट यू हियर द एप्टीट्यूड, मेनी ऑफ यू, आप में से बहुत लोग डर गए होंगे कि एप्टीट्यूड बहुत लोगों का वीक होता है. ओके, सो डोंट, नो नीड टू वरी. विल स्टार्ट विद द टॉपिक परसेंटेज एंड आई विल मेक इट श्योर कि आपको सभी को ये चीज समझ में आए. हाँ, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, इफ माई वॉइस इज नॉट क्लियर देन डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. और यदि कोई ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट और एनी ऑफ द क्वेश्चंस, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू क्लियर इट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक परसेंटेज. तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉप टॉपिक, व्हाई डू वी यूज परसेंटेज, हम इसका यूज क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या होता है मैथमेटिक्स में या रियल लाइफ में भी. एनी आंसर्स, व्हाई डू वी यूज परसेंटेज? ओके, सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई डू वी यूज परसेंटेज, वी यूज परसेंटेज फॉर कंपेरिजन. वेन एवर वी वॉन्ट टू कंपेयर टू वैल्यूज, वेन एवर वी वॉन्ट टू कंपेयर टू वैल्यूज, वी यूज परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंपेयर ए विथ बी, इफ आई कंपेयर ए विथ बी, वॉट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कंपेरिजन? द फर्स्ट इज ईदर ए कैन बी इक्वल टू बी. आई एम कंपेयरिंग ए विथ बी, सो ईदर ए कैन बी इक्वल टू बी, या तो ए बी के बराबर हो सकता है और ए कैन बी बिगर देन बी, ए कैन बी बिगर देन बी, सो दैट इज द सेकेंड कंपेरिजन. ए कैन बी बिगर देन बी. नाउ वॉट इज द थर्ड कंपेरिजन? ए कैन बी स्मॉलर देन बी, ए कैन बी स्मॉलर देन बी, सो दैट इज द थर्ड कंपेरिजन. ए कैन बी स्मॉलर देन बी. So these are the three methods of comparing two values A and B. Okay, so what is the meaning of percentage again? We use percentage for comparison. We use percentage for comparison. And comparison hawa mein nahi hota. Comparison ke liye hume base chahiye hota hai. Comparison is a relative term. Kabhi bhi aap compare karoge kisi cheez ko to aapke dimaag mein koi ek cheez set hogi. Usi se aap usko compare karte ho. Jaise yahan pe maine kya kiya hai? A ko B se compare kiya. या तो ए बी के बराबर है, या तो ए बी से बड़ा है, या तो ए बी से छोटा है. सो दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ कंपैरिजन. ओके, नाउ दिस परसेंटेज कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ आल्सो. तो कुछ एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए. जैसा कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट. तो जैसे ही मैंने ग्रोथ रेट डिफाइन किया, जैसे ग्रोथ रेट अभी नीति आयोग ने कितना बताया है या इकोनॉमिक सर्वे में कितना डिक्लेयर किया गया, 7.5%. तो जैसे ही आपने 7.5% डिक्लेयर किया ग्रोथ रेट, इसका मतलब क्या है, आप अभी की जीडीपी को प्रीवियस ईयर की जीडीपी से कंपेयर कर रहे हो. अगेन द कंपैरिजन, द प्रेजेंट ईयर जीडीपी इज बीइंग कंपेयर्ड विद द बेस एंड द बेस इज प्रीवियस ईयर जीडीपी. सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड परसेंटेज. लगता है कौन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये, थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे आप सभी ने अभी एग्जाम दिया होगा 10th या 12th बोर्ड का, तो बोर्ड ने क्या किया, सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, पूरे कंट्री के बच्चों का एग्जाम किया, सारे बच्चों ने परीक्षा दी. ठीक है, अब कंपेयर करने के लिए उन्होंने एक कॉमन बेस बना लिया, उसी बेस से सबके स्कोर को कंपेयर किया गया, उसी बेस से सबके स्कोर को, जितने भी पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, उसी कॉमन बेस से सबके स्कोर को कंपेयर किया गया. ठीक है, वो कॉमन बेस क्या था, 500. दैट कॉमन बेस वॉज 500. तभी कंपैरिजन पॉसिबल है यदि बेस कॉमन हो. तो परसेंटेज का दो मतलब होता है, पहला कंपेयर किया जाता है दो वैल्यूज को, दो या दो से अधिक वैल्यू को भी आप कंपेयर कर सकते हो. तो कंपेयर करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं, या तो इक्वल रिलेशन होगा, या ग्रेटर देन रिलेशन होगा, मोर देन या लेस देन रिलेशन होगा. तो कंपेरिजन होता है और एक बेस फिक्स होता है. अब क्या किया मैथमेटिशियंस ने, आप कंपैरिजन 500 से भी कर सकते हो, आप कंपैरिजन 1000 से भी कर सकते हो, आप कंपैरिजन 25 से भी कर सकते हो. फिर अगेन कंफ्यूजन, और जहां भी कंफ्यूजन आएगा हम लोग उसको सिंपल रिड्यूस कर देंगे. तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, कंपैरिजन का बेस क्या मान लिया, 100. कंपैरिजन का बेस क्या माना, 100. तो जैसे यदि मान लो 12th एग्जाम में ये टोटल मार्क्स हो गया, यदि 12th एग्जाम में आपको 80% मिला है, योर स्कोर इज 80%. इसका मतलब क्या है, यदि 100 नंबर का पेपर होता तो आपको कितना मिला, 80. यदि 100 नंबर के दो यूनिट और ऐड हो, 100 नंबर के बजाय यदि 200 नंबर का पेपर होता, 100 प्लस 100, तो आपको कितना मिलता,
हर 100 में आपको 80 मिल रहा है, तो पहले 100 में यू स्कोर 80, देन अगेन इन द नेक्स्ट 100 यू स्कोर 80, सो योर स्कोर इज 160. यदि ऐसे 3 हंड्रेड्स होते, 100, 100, 100, तो आपको कितना स्कोर मिलता? 80, 80, 80. 380 is because there are 300s, so 240. But यदि 500 का बेस है, so मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? Into 5, तो यहाँ भी क्या करोगे? Into 5, तो कितना हो जाता आपका स्कोर? 400. तो देखिए, पहले का मतलब भी 80% है, दूसरे का मतलब भी 80% है, तीसरे का मतलब भी 80% है, और चौथे का मतलब भी 80% है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ना टोटल मार्क्स कॉन्स्टेंट है और ना आपके स्कोर कॉन्स्टेंट है. वॉट इज कॉन्स्टेंट हियर? कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, इसमें कॉन्स्टेंट क्या है. मेरी वॉइस क्लियर है? सबको सुनाई दे रही है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. इफ द वॉइस इज क्लियर, आई विल प्रोसीड फर्दर. ओके, परसेंट, गुड. आर्यन ने कहा है द कॉमन थिंग इज परसेंट. वेरी गुड, द कॉमन थिंग इज परसेंट, और यू कैन से द कॉमन थिंग इज रेशियो. यदि आप देखोगे 24s are 25s, अगेन 4s are 5s, अगेन इफ यू कैंसिल इट आउट 6 4s are 6 5s, 100 4s are 100 5s, सो द कॉन्स्टेंट हियर इज रेशियो, और आई कैन से दैट परसेंटेज. द कॉन्स्टेंट थिंग हियर इज इफ द टोटल मार्क्स इज 5 यूनिट, योर स्कोर इज 4 यूनिट. सो एवरी परसेंटेज कैन बी चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. तो चलिए अब हम अगला टॉपिक करते हैं, द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड रेशियो. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल. ओके, चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए. ठीक है, मैंने बताया यदि 80% होता है तो योर स्कोर एंड टोटल स्कोर, योर स्कोर एंड टोटल स्कोर रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5. सो 80% मतलब रेशियो में क्या लिखोगे आप? 4:5. फॉर एवरी 5 यूनिट देयर इज 4 यूनिट ऑफ योर स्कोर. यदि मैं इसका हाफ कर दूं 40%, तो आपके स्कोर और टोटल स्कोर का रेशियो क्या होगा? इफ दिस इज 4/5, इसका यदि मैं हाफ कर दूं डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/5. ओके, अब यदि मैं इसको फिर से हाफ कर दूं, यदि मैं इसको फिर से हाफ कर दूं, तो रेशो क्या हो जाएगा? 20% इज 1/5. तो ये सारे रेशोज आप दिमाग में रखिएगा. 80% इज 20% इज 1/5, सो 40% इज 2/5, एंड 80% इज 4/5, 100% विल बी 5/5, दैट इज 1 यूनिट. सो एवरी परसेंटेज कैन बी चेंज द फॉर्म ऑफ रेशियो. तो हम हर परसेंट का रेशियो या हर परसेंट का फ्रैक्शन देखते हैं हम, और ये फ्रैक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. तो देखते हैं हम इसे कैसे याद कर सकते हैं. ओके, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ये याद रखिएगा. 100% मतलब होता है 1 यूनिट या 1x, 1 यूनिट. हाफ ऑफ 100% इज 50%, ये मैं यहां पे क्लियर लिख दे रहा हूं, ये आगे क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाला है. सो 100% इज 1 यूनिट, देन 50% विल बी 1/2, हाफ ऑफ 50 इज 25%, सो हाफ ऑफ 1/2 इज 1/4. इफ 100% इज 1 यूनिट, देन 25 विल बी 1/4. व्हाट इज हाफ ऑफ 25? 25 का आधा कितना होता है? 25 का आधा कितना होता है? 25 का आधा होता है 12.5. 12.5, तो 12.5 मतलब कितना होगा? 1/8. ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, याद रखिएगा. 100% मींस 1, 50% मींस 1/2, 25% मतलब 1/4, एंड 12.5% मतलब 1/8. 12.5% मतलब 1/8. नाउ इफ अगेन आई डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 6.25. सो 6.25 इज 1/16. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन दैट यू मस्ट रिमेंबर. देखिए ट्रिक सुनिए, 100% मींस 1 यूनिट. पूरा एक बाल्टी यदि भरा होगा तो क्या होगा? वो 100% होगा. उसका आधा करो तो 50% यानी 1/2, उसका आधा करो तो 1/5. सो 25 इज 1/4. Then half of 25 is 12.5, that is 1/8, and half of 12.5 is 6.25, that is 1/16. So these are some fraction which you must remember. Okay. चलिए, ये तो था जब percentage simple रहेगा तब मैं उसको ऐसे change कर सकता हूँ. यदि मैं percentage को complex कर दूँ, यदि मैं percentage को थोड़ा सा कठिन कर दूँ, तब क्या आप उसे ratio में change कर सकते हैं? चलिए देखते हैं. यदि percentage ऐसा दे दिया जाए,
if A is 14 2 by 7% of B, if A is 17 11 by 17% of B, if A is 8 1 by 3% of B, 6 2 by 3% of B. चलिए अगेन आप A को किससे कंपेयर कर रहे हो, B से. मैंने क्या बोला, A is this much percent of B, A is 17 11 by 17% of B and A is 8 1 by 3% of B, then A is 6 2 by 3% of B. तो आप देखो यहां पे मैंने अगेन A को किससे कंपेयर किया है, B से. चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप मैं आपको एक करके बताता हूं, फिर आप बाकी खुद से ट्राई करिएगा. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन एनीबडी टेल द रेशियो ऑफ A टू B फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप आंसर को ताकि हम आगे बढ़ सके. वन इज टू सेवन. ओके चलो, विवेक ने आंसर दिया वन इज टू सेवन. देखते हैं कि वन इज टू सेवन कैसे आया. चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 14 2 बाई 7. तो इसको पहले आप, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले आपको इसको इंटीग्रेटेड फ्रैक्शन बनाना होगा. देखिए 14 7 98, 14 7 98 प्लस 200. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 बाई 7. ठीक है, सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये भी सिंपल वाला, इसको देखते हैं, 8 3 24 प्लस 1 25. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 बाई 3%. यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंट. अगेन 6 2 बाई 3, यहाँ पे देखिए 6 3 18 प्लस 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 बाई 3%. अब देखो परसेंट मतलब क्या होता है, पर हंड्रेड, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 100. इफ यू डिवाइडेड बाई 100 द रेशियो विल नथिंग बट द रेशियो विल कम, इट विल रिड्यूस टू 1:7. ओके, देर इज अ क्वेश्चन, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड परसेंटेज. तो देखिए दोनों चीजें कॉमन होती हैं. यदि मैं बोलूँ कि आई गॉट 100%, तो आप क्या बोलोगे, माई स्कोर इज 100% ऑफ टोटल स्कोर. सो वॉट इज द रेशियो, योर स्कोर वेन कंपेयर्ड विद टोटल मार्क्स, दैट इज 1:1. ठीक है, तो यू कैन कन्वर्ट एनी परसेंट इन टू रेशियो एंड यू कैन कन्वर्ट एनी रेशियो इन टू परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल ए इज 1/3 ऑफ बी, सो वॉट इज द रेशियो ऑफ ए बाई बी, 1:3. दैट मीन ए इज बीन कंपेयर्ड विद बी. सिमिलरली इफ आई से ए इज 33.33% ऑफ बी, अगेन आई कैन से इफ the value of A to B is 1:3. So any ratio can be converted into percentage and any percentage can be converted into ratio. Both are used for comparison. हम वही कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे percentage के terms में है ना, मैं उसको किसके terms में reduce कर दिया, ratio के terms में. I hope it is clear to you all. Okay, चलो अब अगला percentage जो है, similarly जैसे मैंने ये वाला बनाया, second वाला आप छोड़ दीजिए, इसमें square का concept है, आप third वाला और fourth वाला आप try करिए. आपको बताना है कि ये रेशियो में, जैसे मैंने इसको 1:7 लिखा, आप 8 1/3 को क्या लिखेंगे और 6 2/3 को क्या लिखेंगे. चलिए ट्राई करिए. कमेंट ओके, मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. मुदित, आकांक्षा, वेरी गुड. द रेशियो इज 1:12. वेरी गुड, द रेशियो इज 1:12. एक्सीलेंट, द रेशियो इज 1:12. ओके द लास्ट इज, ओके वन प्रतीक गुप्ता हैज आंसर्ड इट. वेरी गुड, द रेशियो इज 1:15. द रेशियो इज 1:15. फॉर एवरी 15 देर इज वन ऑफ ए, फॉर एवरी 15 ऑफ बी देर इज वन ऑफ ए. दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो. ओके नाउ द लास्ट वन, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं सेकंड वाला बता रहा हूं आपको. चलिए सेकंड वाला देखिए, पहले तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 20 तक. ओके, वो हम लोग कैलकुलेशन की क्लास जब लेंगे उसमें इसको बताएंगे कि हाउ टू मेमोराइज स्क्वायर वेरी क्विकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इंटू इंटीग्रेटेड फ्रैक्शन. दिस इज मिक्सड फ्रैक्शन, इसको मिक्सड कहा जाता है. तो 17 × 17, दैट इज 289. 289 plus 11, 289 plus 1 is 290 plus 10 is 300. So it is nothing but 300 upon 17%.
300 upon 17%. What is the meaning of percent? Per 100, per 100, per 100. Per 100 matlab divided by 100. So what is the ratio? 3:17. This is the ratio. So सिंपल परसेंटेज दिया रहेगा तो भी हम रेशो में चेंज कर सकते हैं. परसेंटेज कॉम्प्लेक्स दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है या पॉइंट में दिया है तो भी आप चेंज कर सकते हो. जैसे 6.25 और 6/1/4 दोनों का मतलब सेम होता है, बोथ आर इक्वल टू 1/16. सो हम लोगों ने अभी तक जो जो फ्रैक्शंस याद किए हैं उसको एक बार यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ ताकि आप उसको क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज कर सकें. ओके चलिए तो धीरे धीरे करके याद करेंगे हम लोग. हम लोगों ने कौन कौन सा परसेंट फ्रैक्शन देखा है? 1/2 तो सबको याद रहता है, 50%. 1/4, 1/4, 1/4 इसका आधा कितना हो गया? 25, 25% मतलब 1/4. इसका भी आधा करो, 1/4 का भी आधा करो तो वह 1/8 हो जाएगा. 25 का आधा कितना होता है? 12.5. तो यदि मैं आपसे बोलूं किसी का 12.5% निकालो, किसी भी चीज का 12.5% निकालो तो क्या करोगे आप उसको? 8 से डिवाइड करोगे, 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, जैसे मैं बोलूं 8 का 12.5% तो आप तुरंत बोलोगे 8/8 is 1, तो वो उसका फायदा है. यदि मैं इसको फिर से हाफ करता हूं तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 6.25%. 12 का आधा 6, 12 का आधा 6 25, 50 का आधा 25 तो ये कितना हो जाएगा? 1/16. क्लियर है? फिर हम लोगों ने एक वैल्यू देखी 1/7. 1/7 मतलब होता है 14.28%. ये सब यूज होगा, फ्रैक्शन याद रखिएगा. फिर 1/6. 1/6 की वैल्यू होती है 16.66%. 1/3. 1/3 का मतलब होता है 33.33%. ये याद होता है, ये बहुत यूज होता है, ये याद होता है बहुत लोगों को. चलिए अब आप थोड़ा सोच के बताइए, जब 1/3 33.33 होगा तो 2/3 कितना होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. अरे करो भाई, ये तो सिंपल है. ओके चलिए, ये हो जाएगा आपका इफ 2/3 is equal to 66.66%. चलिए तो ये कुछ परसेंटेज हैं और उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जिनका हम यूज करेंगे अभी आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में. तो चलो, मैंने आपको यहाँ पे परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन बता दिया. अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. देखिए अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन हाँ उनका एप्लीकेशन होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे, लेकिन उसका एप्लीकेशन वर्क एंड टाइम में आएगा, उसका एप्लीकेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस में, प्रॉफिट लॉस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डिस्काउंट में यूज़ होता है, सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग देखेंगे. अभी जो मैं कराने वाला हूँ आप ट्राई करिएगा कि ना पेन के बिना सॉल्व करो, Try to solve it without the pen. हाँ, और एक काम करना, वॉइस यदि क्लियर नहीं आ रही तो प्लीज यूज ईयर प्लग्स. कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है क्या? मेरी आवाज क्लियर और मैं क्लियर दिख रहा हूँ आपको? ऑडियो विजुअल दोनों क्लियर है? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ. ओके प्लीज गिव अस सम टाइम. ओके चलिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ताकि आप लोग आंसर निकाल सकें. चलिए, द क्वेश्चन इज, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं. क्वेश्चन लिखने का एक तरीका होगा, उस तरीके को पहले समझिएगा. साउंड ठीक है? साउंड सुनाई दे रहा है सबको? चलिए, ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. देखिए मैं पहले बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है. बोर्ड विज क्लियर है सबको? पढ़ते हो रहा है? ओके चलिए प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं. ओके देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए इज
20% ऑफ बी, देन यू हैव टू टेल बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए। तो ये एक्स की वैल्यूज मैंने यहाँ पे दे रखी है लाइन से, आपको उस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके यहाँ पे आंसर बताते जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन इज ए इज 20% ऑफ बी, यानी मैं ए को किससे कम, आप एरो की तरफ ध्यान दीजिए, परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, परसेंट का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। आप ए को किससे कंपेयर कर रहे हो, बी से, और परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 20% मतलब कितना होता है, 1/5, 20/100 पर 100। तो यदि बी की वैल्यू 5 यूनिट है तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी ए का कितना परसेंट होगा, तो आप क्या करोगे, जो 5 है वो 1 का कितना परसेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, आपको बी को किससे कंपेयर करने बोला है, ए से। बी को किससे कंपेयर करना है आपको, ए से। यहाँ पे आपने क्या किया, ए को किससे कंपेयर किया, बी से। अब आप भूल जाओ ए और बी भूल जाओ, अब आप ये मानो कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो 5 है वो 1 का कितना परसेंट है, तो क्या करोगे आप, 5/1 5/1 × 100, तो इसका आंसर कितना होगा, 500%। इसका आंसर क्या आएगा, 500%। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए बी का कितना परसेंट है, 25%। 25% को रेशियो में क्या लिखते हैं, 25% को रेशियो में लिखते हैं 1/4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/1, 4/1 × 100, तो इसका आंसर कितना आएगा, 400%। चलिए अब मैं कुछ समय देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, केवल आपको एक मिनट मिलेगा, 60 सेकेंड्स। ओके चलिए, किन्हीं कुछ लोगों का आंसर आया है, किन्हीं का आंसर नहीं आया, चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। 25 मतलब कितना होता है, 1/4। व्हाट इज हाफ ऑफ 25, हाफ ऑफ 25 इज 12.5, सो दैट इज 1/8। अब आपको सवाल, सो 8/1 × 100, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 800%। चलिए अगला देखते हैं, 6.25, अभी हम लोगों ने देखा था 12.5 का आधा कितना होता है, 6.25। सॉल्व करो, बार बार याद करो फ्रैक्शंस को, 1/16, 1/16, तो 16/1 × 100, 16/1 × 100 मतलब कितना हो जाएगा, 1600%। चलिए तीसरा देखते हैं, 14/2/7%। अब यहाँ पे आप देखो, 14/2/7 हम लोगों ने याद किया था कितना होता है, 1/7। ए की वैल्यू कितनी, 1, और बी की वैल्यू कितनी, 7। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी को किससे कंपेयर करना है, ए से। बी को ए से कंपेयर करना है, तो 7/1 × 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 700%। सो दीज आर द बेसिक फंडास टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आखिरी के दो सवालों में, आखिरी के दो सवालों को मैंने आपको छोड़ने बोला था क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज होगा और ये 100 से प्लस परसेंटेज दिया हुआ है। चलिए अभी आप एक चीज देखना, यहां पे कहीं किसी भी क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किसी भी क्वेश्चन में ए की वैल्यू बी से बड़ी आ रही है क्या? देखो ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 5, यानी बड़ी वैल्यू कौन है, बी। अगेन यहां पे देखो, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, बड़ी वैल्यू किसकी है, बी की। किसी भी क्वेश्चन में ए की वैल्यू बड़ी नहीं हुई है, बड़ी किसकी वैल्यू हुई है, बी की। क्यों ऐसा, किसी में भी रेशो ए का छोटा क्यों और बी का बड़ा क्यों आ रहा है, चलो तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, उसको आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। मैं एकदम ले मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे मैंने बोला ए इज 20% ऑफ बी, ए इज 20% ऑफ बी, यानी मान लो ए और बी दो बंदे हैं, बी आता है बोलता है कि मेरी सैलरी का केवल 20%, केवल 1/5 भाग तेरे पूरे सैलरी के बराबर है। बी ने को क्या बोला, ए इज बी 20% ऑफ बी, यानी बी को कंपेयर, बी की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं, तो बी ने बोला कि मेरी सैलरी का 20% यानी केवल 1/5 भाग तेरे पूरे सैलरी के बराबर है, समझ आया। तो ज्यादा अमीर कौन है, बी ज्यादा अमीर हुआ क्योंकि बी का केवल 1/5 भाग ए के पूरे 100% पूरे सैलरी के बराबर है।
यहाँ पे बड़ा कौन हो गया, बी बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि परसेंटेज देखो 100 से कम है, 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 यहाँ पे परसेंटेज क्या है 100 से ज्यादा आ गया। अब आप ध्यान दो, अब बी घमंड हो गया था उसके अपने सैलरी पे, बी फिर से आया ए के पास, बोलता है कि मैं तेरे से ज्यादा अमीर हूँ। अब बी ने क्या किया, अपने सैलरी का 20% लेके आया, तो देखा अरे ए के बराबर नहीं पहुंचा, 80 लेके आया तभी भी ए के बराबर नहीं पहुंचा, पूरा 100 लेके आ गया तभी भी वो ए के बराबर नहीं पहुंचा। उसने क्या किया, फिर अपनी सैलरी का जब उसने 300 यानी अपनी सैलरी के 3 गुने से भी 1/3 ज्यादा लेके आया, तब वो किसके बराबर पहुंचा, ए के, यानी जब उसकी सैलरी का 300% से भी ज्यादा आया तब वो किसके पास पहुंचता है, ए के। तो यहाँ पे कौन अमीर हुआ, ए ज्यादा बड़ा हो गया। जब आप इस रेशो कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको रेशो मिलेगा। चलिए तो लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सारा मिटा दूं, आप लोगों ने समझ लिया है पूरा क्वेश्चन यहां तक, लास्ट के 2 क्वेश्चन में आते हैं फिर। ओके चलो आखिरी के 2 क्वेश्चन में आते हैं। अब यदि आप इसको ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था, परसेंटेज क्या था, 333 1/3%। अब इसे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगेन आप क्या कर रहे हो, ए को किससे कंपेयर कर रहे हो, बी से, लेकिन परसेंटेज क्या लिखा हुआ है, 333.33 या 333 1/3। इसे आप 2 भाग में ब्रेक करो, इसे मैं ऐसे देखता हूँ, 300% प्लस 33 1/3%। मैंने क्या किया, 300% को 2 भाग में तोड़ दिया, द फर्स्ट पार्ट इज 300% एंड द सेकंड पार्ट इज 33 1/3%। 300% मतलब 3 times यानी 3, परसेंट मतलब क्या होता है, अपॉन 100 पर 100, सो 300% को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 3 लिख सकते हो, और 33 1/3 को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/3, अभी हम लोगों ने देखा था 33 1/3 को क्या लिखोगे, 1/3, तो यानी जब आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा वो, 3 + 1/3 इज नथिंग बट 3 1/3, 3 + 1/3 इज नथिंग बट 3 1/3, तो 3 3 = 9, 9 + 1 = 10। सो यहाँ पे मैं सीधा रेशो क्या लिखूंगा, ए और बी का रेशो कितना आया, ए बाई बी द रेशो इज 10/3। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, ए की, क्योंकि परसेंटेज क्या है 100 के प्लस चला गया, इसलिए किसकी वैल्यू बड़ी हो गई, ए की। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए, ये जो बी है ये ए का कितना परसेंट है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो 3 है वो 10 का कितना परसेंट होता है, तो 10% कितना होगा 1, 20% कितना होगा 2, तो 30% कितना होगा 3, तो मैं सीधा क्या कह सकता हूँ कि ये जो 3 है ये 10 का कितना परसेंट है, 30%। 3/10 × 100 करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 30%। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे परसेंटेज सिंपल दिया रहेगा तो भी आप रेशो में चेंज कर सकते हो, और कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा तो भी आप उसे कैसे रेशो में चेंज कर सकते हो। चलिए ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलिए ध्यान दे, ये इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इफ ए इज 366 2/3% ऑफ बी, तो आपको बताना है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। चलिए सेम फंडा, 66 2/3 मतलब क्या होता है, 2/3, अच्छा प्रीवियस आंसर्स कई लोगों ने सही दिए थे, मुदित एक्सीलेंट, 800 1600, अच्छा आपने उसका आंसर दिया 12.5 का, वेरी गुड। चलिए चलो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व इट ओरली, ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, हम लोग इसको कोशिश करते हैं ओरली सॉल्व करने की। आप मेरे हाथ की तरफ ध्यान दीजिएगा, देखिए 366 2/3%, देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं इसे क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो आपको कंफ्यूज करेगी। यहाँ पे परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 366 2/3, सिंपल क्या करो, 300 को अलग करो, 66 2/3 को अलग करो,
तो यहाँ पे जब आप इसको अलग अलग करोगे तो क्या हो गया, ये 300% और ये कितना हो गया 66 2/3%। 300% मतलब क्या होता है, 3 यूनिट, और 66 2/3 मतलब 2/3 ऑफ अ यूनिट, दैट इज 2/3। तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 9 प्लस 2 कितना हो गया, यानी आप ए और बी का रेशो क्या लिख सकते हो, 11/3। आई होप इट इज क्लियर। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया था, ये जो बी महाशय है ये ए का कितना परसेंट है, आपसे यही पूछा गया कि भाई बताओ बी ए का कितना परसेंट है। तो देखो ये चीज़ हम लोग कई बार कर चुके हैं, फिर से करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, ये जो 3 है ये 11 का कितना परसेंट है। तो चलिए इसी बात पे मैं आपको एक और फ्रैक्शन बताता हूँ। 1/11 का मतलब होता है लगभग 9.09%। 1/11 का मतलब कितना होता है, 9.09%। 1/16 का मतलब कितना होता है, कमेंट करिए 1/16 का मतलब कितना परसेंट होता है। रिकॉल करते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज को, 6.25, गुड। चलिए तो ऐसे धीरे धीरे सारे फ्रैक्शंस को हम लोग रिकॉल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमें पता है कि 1/11 का 9.09% होता है, तो हम क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसमें कोई गलती है? तो जब ये 9.09 है, इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना परसेंट बनेगा, 27.27%। मैंने क्या किया, 1/11 की वैल्यू मुझे याद है तो मैंने क्या किया, उस वैल्यू को यूज़ कर लिया। 1/11 मतलब 9.09 होता है, तो जब मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 27.27%। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। सो ये था आपका द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ रिलेशन। चलिए अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोर देन रिलेशन। ओके, मेरी आवाज क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि स्पीड को थोड़ा धीरे करूं? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आपको समझ आ रहा है तो यस लिखिए, यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अपनी स्पीड को स्लो डाउन भी कर सकता हूं। और यदि समझ आ रहा है तो अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोर देन रिलेशन। देखो मैंने जब परसेंटेज स्टार्ट किया था, शायद आप लोग कई लोग समय लाइव नहीं आ पाए थे, तो याद रखिएगा परसेंटेज मतलब कंपैरिजन होता है, और हम कंपेयर 3 तरीकों से कर सकते हैं। जैसे या तो भाई ए बी के बराबर है, दोनों के पास बराबर बराबर पैसा आता है, या तो ए बी से अमीर है, ए के पास ज़्यादा पैसा आता है, मोर देन, इसे मोर देन कहा जाता है, या ए बी से गरीब है, ए के पास कम पैसा आता है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ए को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। ए को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। फिर से ए को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। तो कहीं भी कंपेरिजन हुआ मतलब क्या है, वो परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब होता है कंपेयर करना, और कंपेयर करने के लिए हम हवा में कंपेयर नहीं करते, उसके लिए क्या चाहिए, बेस। कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए, बेस। बस यही दो बातें आपको परसेंटेज में याद रखनी है। चलिए तो ये तो मैं करा चुका था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोर देन रिलेशन। मोर देन रिलेशन, चलिए कमेंट करिए सब समझ आया। ओके ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा स्लो करना है। ओके मैं अपनी स्पीड को और स्लो डाउन करता हूँ ताकि आपको सब साफ साफ समझ आए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मोर देन। अब देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन है प्रॉफिट एंड लॉस में एप्लीकेशन है इसका, ये दोनों इसके बहुत अच्छे एप्लीकेशन हैं। चलिए तो देखते हैं इसको, हमें कहीं भी मैथ्स कठिन लगेगा तो हम उसको सिंपल कर देंगे, बस ये बात याद रखना। चलो अभी आप रेशियो का मतलब समझ चुके हो। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ जो भाई ए है, ए इज 20% मोर देन बी, मोर देन बी। अब आपके पास चैलेंज आया कि भाई ए और बी का रेशो निकालो। तो देखो अभी तक हम लोगों ने कौन सा रिलेशन किया था, इसके पहले हम लोगों ने किया था ऑफ रिलेशन, अब वो हम लोग नहीं करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, मोर देन आ गया, ठीक है।
इसका मतलब इसको हिंदी में कैसे बोलूंगा कि ए के पास बी के कंपैरिजन में 20% अधिक है. अगेन अगेन ए बाई बी 20%. आप देखो किससे कंपेयर कर रहे हो, ए को किससे, एरो की तरफ ध्यान दो, ए को किससे कंपेयर कर रहे हो, बी से. 20% मतलब क्या होता है, 1/5. अभी हम लोगों ने किया था 20% मतलब क्या होता है, 1/5. 10% मतलब 1/10. 5% मतलब 1/20. 2.5% मतलब 1/40. ये सब मैं कैसे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सोचिएगा. देखिए मैंने क्या कहा, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5. तो 10 मतलब 1/10, 5 मतलब 1/20. मैं सिर्फ आधा आधा करते जा रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ उसको आधा 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 करते जा रहा हूँ. इसको यदि मैं और आधा कर दूँ तो क्या होगा, 1.25 मतलब कितना हो जाएगा, 1/80. तो ये सब फ्रैक्शन होते हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे. चलिए क्वेश्चन में आते हैं. अब यदि मैं बोलता हूँ कि भाई ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ये सरासर गलत बात है. यह आपने लॉजिक के अगेंस्ट में बात कर दी. कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है, ए मोर देन है ना भाई, बड़ा है बी से, तो हाउ कैन इट बी स्मॉलर देन बी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन. तो आप यहाँ पे कुछ मत करो, 5 में 1 ऐड कर दो, तो 5+1 कितना हो गया, 6. तो रेशियो क्या बन जाएगा, 6:5. ये कॉन्सेप्ट आप सीधा एक और तरीके से समझ सकते हो. यदि बी को आप 100 मान लो, यदि बी को आपने कितना मान लिया, 100, तो ए उससे कितना ज्यादा है, 20. तो रेशियो क्या बन जाएगा, 6:5. लेकिन ये प्रॉब्लम आपको ना जब परसेंटेज पॉइंट में दिया रहेगा या फ्रैक्शन में दिया रहेगा तब ही अटकाएगा ये. तो आप रेशियो से याद रखना, यहाँ पे 1 को ऐड करने क्योंकि मोर देन बोला है. ठीक है, चलिए अब मैं सिर्फ एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे परसेंटेज को चेंज करता जाऊंगा और आप मुझे तुरंत रेशियो बताते जाइएगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 सवाल, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएंगे. चलिए कुछ मैं सिंपल दूंगा, कुछ मैं ऐसे दे दूंगा जो आपको निकालने पड़ेंगे. अब देखिए ये सब जो मैं लिख रहा हूँ सब आप याद करते जाइएगा, फिर एक सिंपल दे देते हैं. चलिए तो मैंने 1, 2, 3, 4 दिया है. आपको सिर्फ क्या बताना है, ए और बी का रेशियो, और कुछ नहीं बताना, सिर्फ आपको रेशियो निकाल के ऐड करके बताना है. चलिए पहले का आंसर क्या होगा, आप एक मिनट लो और ये चारों ट्राई करो, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है. चलिए ओके, देयर इज अ टाई बिटवीन विवेक एंड आकांक्षा, बोथ हैव गिवन द सेम आंसर, 11:10. चलो ये तो सिंपल था, अब ये कौन बनाते हैं देखते हैं. पवन सिंह, एक्सीलेंट पवन सिंह, 20:17. चलो अब ये लास्ट के दो बचते हैं. चलो लगता है लास्ट के टू बनाने में गुड. पवन सिंह लगता है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 16:15. वेरी गुड. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, आई होप पवन सिंह ही बताएंगे. महिमा चौहान आप थोड़े से लेट हो गए हो, आंसर आ चुका है उसका, आप ये वाला ट्राई करो, 15th वाला 15%. ओके, विवेक हैज गिवन द करेक्ट आंसर. देखो 23:20 मोर देन है ना भाई, तो 3/20 तो प्लस करो, मोर देन में प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 23/20. तो ये था कॉन्सेप्ट मोर देन का. ठीक है, अब चलो आपने मोर देन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब कोई बता सकता है क्या, यदि मैं इस मोर देन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और मोर देन को हटा के यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस देन. ठीक है, तो चलो अब इसको मैं बताऊंगा नहीं, मोर देन में यदि जोड़ते हैं तो लेस देन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो आप माइनस करके बताओ पहले का आंसर क्या होगा. यदि मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान देना, यहाँ पे मोर देन नहीं, यहाँ पे क्या है, लेस देन है, यानी ए की वैल्यू छोटी होगी बी की वैल्यू बड़ी आएगी, तो कितने से कम होगी वो आप थोड़ा सा सोचिए, नहीं बनता है तो मैं बताता हूँ. ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, 9/10. देखो डायरेक्टली सोच सकते हो, ए बी से 10% कम है, तो यदि 100% है तो 90% है तो कितना हो जाएगा, 9:10. या फिर रेशियो में 1/10 करोगे तो ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, 9. सेकंड का कितना होगा आंसर, 14:7. अगेन पवन हैज गिवन द राइट आंसर.
सॉरी 14:17 आएगा. अगेन पवन हैज गिवन द राइट आंसर. अब पवन का आंसर नहीं पढ़ेंगे, पवन के अलावा कौन देता है देखते हैं. ओके, हर्षा चौहान हैज आल्सो गिवन द राइट आंसर. बट ये कॉम्पिटिशन है बेटा, आप लेट हो गए हो. दैट आंसर हैज ऑलरेडी गिवन बाय पवन सिंह. ठीक है, इसका आंसर होगा 14 और 15. और इसका आंसर, लास्ट वाले का आंसर आप बताइए. ठीक है, किसी का आंसर आ गया, अगेन पवन सिंह का ही आंसर आया था. ठीक है चलो, सो द विनर इज नो डाउट अनडाउटेडली पवन सिंह. तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट मोर देन और लेस देन का. अब जो भी आप पढ़े हो, जो भी आप मोर देन लेस देन जो भी आपने पढ़ा है, उसको सबको अब मिला देते हैं. मिलाना मतलब कचड़ा नहीं करेंगे, उसको क्लियरली समझेंगे कि सब जब एक साथ आएगा, जब एक साथ ये सब अटैक करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाए. अब देखो, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो बुक्स में ना फॉर्मूले के फॉर्म में दे देता है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करो और उस फॉर्मूले में पुट करो n अपॉन n प्लस डी और n अपॉन n माइनस डी. मैं फॉर्मूला विश्वास नहीं रखता, आप भी मत रखो. मेरी क्लास को बेस मानना है तो मानो, नहीं तो आप अपना दिमाग अप्लाई करो. जो चीज़ आपको समझ आ रही है आप उसको एक्सेप्ट करो. डोंट यूज एनी फॉर्मूला. कुछ फॉर्मूले की बात अलग है, लेकिन हर चीज़ में फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं. जो भी अभी तक पढ़े हैं उसको यूज करना है सिर्फ आपको. ठीक है, यदि मैं बोलता हूँ, यदि कोई भी वैल्यू है, मान लो एक कोई वैल्यू है एक्स, ठीक है, जिसको ये पता नहीं होता हम क्या मानते हैं उसको एक्स. ठीक है, यदि मान लो कोई एक वैल्यू है एक्स, उसको मैं बढ़ाता हूँ, मान लो पहले एक सिंपल परसेंट देता हूँ, उसको मैं बढ़ाता हूँ 25% से. एक्स कोई वैल्यू थी, मैंने कितने से बढ़ा दिया 25% से. अब बताओ जो बड़ी हुई वैल्यू के पास मैं पहुंचा, ये जो बड़ी हुई वैल्यू हुई उसमें कितने परसेंट की कमी करूं ताकि मेरे को वापस से एक्स मिल जाए. ठीक है, यदि क्वेश्चन आपको नोट करना है तो आप ध्यान से सुन लो. इफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर दैट इज एक्स इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन बाय व्हाट परसेंट इट शुड बी रिड्यूस्ड टू गेट द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, अब इसको बनाने के कई तरीके हैं. ठीक है, मैं आपको 100 से लेके बना दूंगा, 100 से भी लेके आप बना सकते हो, 100 भी अज्यूम कर सकते हो. बट एक बार आप रेशियो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. देखो आपने क्या किया, वैल्यू को 25 से बढ़ाया, यानी 1/4 है. तो पहले वो वैल्यू 4 थी, क्योंकि बढ़ाते हो तो बेस से बढ़ाओगे ना. यदि मान लो बोलता हूँ कि भाई मैं पहले 40 किलो का था, अब मैं 60 किलो का हो गया, तो मैं 40 से 60 का हुआ तो इंक्रीज कितने किलो का हुआ, 20 का. और परसेंट बोलूंगा तो अब मैं किससे कंपेयर करूंगा, बेस से, ओरिजिनल से. ओरिजिनल हमेशा किस में आता है, बेस में. परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कंपेरिजन बाई द बेस, कंपेरिजन फ्रॉम बेस. चलो तो देखो, पहले वो वैल्यू क्या थी, 4. आपने कितने से बढ़ाया, 1 यूनिट से. तो 4+1 वो वैल्यू कितनी हो गई, 5. अब आपको 5 से वापस से किस में आना है, 5 से ओरिजिनल में आना है, 5 से किस में आना है, 4 में. तो कितने से रिड्यूस करोगे, 1/5 से. 5 से वापस किस में आना है आपको, 4 में. कितने की कमी है, 1 की. तो 5 से 4 में आ रहे हो, 5 से बेस में क्या आएगा, 5. तो 1/5 का कितना परसेंट होता है, अभी हम लोगों ने किया 10%, मतलब 1/10. तो 10 का आधा यानी, सॉरी, ये 10 का दुगना यानी कितना हो गया, ये 20%. हम लोगों ने ये याद किया है, 20% मतलब कितना होता है, 1/5. या 1/5 × 100 करोगे तो सेम वैल्यू आएगा. क्लियर है? तो देखिए, इसमें मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, आप इसको डायरेक्टली सोच सकते हो. अब यदि मैं इस परसेंटेज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, अभी तक मैं आपको ईजी दिया था तो आप 100 एज्यूम करके बना लिए. अब सवाल जैसा पेपर में आता है वैसा करते हैं. यदि मान लो इसको मैं ऐसा कर दूं, याद रखना डिनोमिनेटर मतलब बेस, न्यूमरेटर मतलब उतने से बढ़ा है, और जोड़ोगे तो उतने हो गया है, फिर वापस आपको रिवर्स आना है. ये आप खुद से ट्राई करिए. चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है. यदि किसी वैल्यू को आप 11.9% से बढ़ा देते हो तो उसको कितने परसेंट से कम करोगे ताकि आपको वापस से वही वैल्यू मिल जाए. चलिए देखते हैं किसका आंसर आ रहा है. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो मुझे बताइए, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा. बट कमेंट करिए उस कमेंट बॉक्स में. ओके, अगेन हर्षा चौहान एंड पवन सिंह बोथ हैव गिवन द राइट आंसर. सोनू मौर्य हैज आल्सो, सॉरी, सोनी मौर्य हैज आल्सो गिवन द राइट आंसर.
ओके, सभी का आंसर आ गया, मतलब मेरा पढ़ाना सफल रहा। ओके, एक्सप्लेन दिस अगेन। ओके, हर्षिका का नहीं आया, तो चलिए हर्षिका देखते हैं। चलो हर्षिका बताओ, देखने में एकदम गंदा सा परसेंट लग रहा है ना, इसको मेरे को ऐसे नहीं करना है, इसको मुझे सिंपल करना है। इसको सिंपल कैसे करोगे? 11 नाइन का कितना होता है? 99 प्लस 1 कितना होता है? 100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 बाई 9। और परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100, पर 100, पर 100, यानी डिवाइडेड बाई 100। जैसे देखो, किलोमीटर पर आर मतलब क्या होता है? किलोमीटर अपॉन आर, मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वैसे ही पर मतलब क्या होता है? अपॉन 100 मतलब 100। तो इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे कितना हो गया? ये 1/9। अब मैंने आपको क्या बताया था? जो बेस होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, आपने उसको कितने से बढ़ा दिया? 9 को 1 से बढ़ा दिया, तो 9 कितना बन गया भाई? 10 बन गया। अब 10 को फिर से कितना बनाना है? 9, तो कितने से कम करोगे? 1, तो 1/10 मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। अब आपको समझ आया क्या? हर्षिका शर्मा एंड मोनिका, अच्छा स्ट्रीमिंग में दिक्कत हो रही है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। यस सर, ओके, हर्षिका को समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, देखते हो चैलेंज कौन पूरा कर पाता है। चलो अब हम आप मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, चलिए अब यदि मैं किसी वैल्यू को 20% से बढ़ाता हूँ, 16:2/3 से बढ़ाता हूँ, 14:2/7 से बढ़ाता हूँ, 33:1/3 से बढ़ाता हूँ, तो बताओ उस वैल्यू को कितने परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा? आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। मैंने किसी वैल्यू को, मान लो कोई एक वैल्यू है एक्स, उसको मैं पहले 20% से बढ़ाता हूँ, तो आपको बताना उसको कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा यदि ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। फिर मैंने एक्स की वैल्यू कितने से बढ़ा दिया? 16:2/3। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चलिए और आप एक कोशिश करिएगा, पेन का यूज मत करिए, कोशिश करिए कि क्या बिना पेन के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। चलो मैं एक एक करके सब क्वेश्चन में आता हूं, मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको याद होंगी इसके साथ साथ, तो आप पहले गिव इट अ ट्राई। जो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू स्टार्टिंग में लिखाई थी, शायद मिट, हाँ शायद नहीं, मिटी गया है, तो आपको उस वैल्यूज का भी यूज करना पड़ेगा। चलो ओके, आई थिंक आप लोग को आंसर लाने में दिक्कत हो रही होगी। देखिए पहली क्लास है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद नहीं है, वो हम लोग कर करके याद कर लेंगे। चलिए मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। मैंने क्या किया, पहले किसी वैल्यू कितने परसेंट से बढ़ाया? 20% को मतलब क्या लिखूँ मैं? 1/5, तो 5 को मैंने 1 से बढ़ा दिया, कितना हो गया वो? 6। अब 6 को फिर से 5 बनाना है, तो आंसर क्या होगा इसका? 1/6। फ्रैक्शन में ही आंसर लाते जाइए, उसका परसेंटेज मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1/6। 1/6 का कितना परसेंट होता है वो देखेंगे, अभी याद करेंगे। आप मुझे इसका फ्रैक्शन में ही आंसर बताइए कितना होगा। ओके चलिए, लास्ट इज डिफिकल्ट। ओके चलो, लास्ट इनफैक्ट सबसे ज्यादा इजी है। चलो देखते हैं इसको, देखो लास्ट वाला, चलो लास्ट वाली पहले बता देता हूं। ये क्या हो जाएगा? 1/3 होगा, 33 1/3%। यदि आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको वो रटना कुछ नहीं है, हमको सब चीज़ समझना है। तो देखो इसको समझो, 33 99 99 और 100, यानी मैं इसको क्या लिखूंगा? 100/3। और प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या? डिवाइडेड बाई 100, यानी क्या हो गया ये? 1/3। तो 1/3 आपका आंसर क्या होगा इसका? 1/4। 3 को 1 से बढ़ा दिया तो 4 बन गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 1/4। 1/4 मतलब कितना होता है? 25%। आई होप इट इज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके पहले वाला देखो, ये फ्रैक्शन हम लोग अब तक कई बार याद कर चुके हैं। 1/7, तो आंसर होगा 1/8। 1/8 यानी इसका आंसर क्या होगा? 12.5।
5%, इसको देखो 1/6 लिखते हैं, यदि याद नहीं है अगेन कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो करते करते हो जाएगा, हम उसको निकालने का तरीका भी देख लेते हैं। 16 3 48 2 50, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/3, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100, तो 1s are 2s are, यानी क्या हो गया 1/6, तो 1/6 यानी आंसर क्या होगा, 1/6 से तो आंसर क्या होगा 1/7, 1/7 मतलब कितना होता है 14.28%, ये याद कर लो आप, 1/6 मतलब कितना होता है 16.66%, तो ये कुछ परसेंटेजेस की वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिकॉल भी कर लेते हैं, 1/2 मतलब 50% होता है, 1/4 मतलब 25 होता है, 1/8 मतलब 12.5 होता है, 1/16 मतलब 6.25 होता है। चलिए अभी अगला चैलेंज है आपके लिए, यदि 1/16 मतलब 6.25 है तो मेरा कहना है आप खुद से निकालो 1/32 का मतलब कितना परसेंट होगा। चलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आप उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, जब 1/16 का मतलब 6.25 होता है तो 1/32 का मतलब कितना परसेंट होगा, चलिए देखते हैं, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। ओके, विवेक हैज गिवन द राइट आंसर, इट इज 3.125। चलिए थोड़ा सा और टाइम लीजिए क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये, और किसी का आता है तो मैं बताता हूँ। ओके, अक्षय हैज आल्सो गिवन द, सॉरी आकाश, सभी का आंसर आ गया। हर्षा थोड़ा सा आपका गड़बड़ा है, इट इज 3.125, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आपका। देखो 1/16 का मतलब कितना था 6.250, तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करो तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करना मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3.125%, ठीक है। तो ये था आपका परसेंटेज का एक एप्लीकेशन। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परसेंटेज के, इसी को यूज करके। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखिए आपके नीचे आ जाएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। अच्छा, अभी तक चीजें समझ आई सबको, अभी तक हम लोगों ने जो भी किया वो सबको समझ आया, तो मैं आगे बढ़ूं। फिर अभी हम लोगों ने क्या क्या किया, देखो ऑफ कर लिया, मोर देन कर लिया, मोर देन के बाद लेस देन अपने आप हो जाता है तो लेस देन भी हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने किया कि किसी वैल्यू को बढ़ा दें तो वापस कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। देखो सेम कॉन्सेप्ट आप कम करने में भी कर सकते हो, यदि किसी वैल्यू कम करें तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स किए हैं, ऑफ, मोर देन, लेस देन, हाउ टू इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, एंड देन हाउ टू डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो दीज आर द 5 कॉन्सेप्ट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज। अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन यदि आए तो आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, इस कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट को। ओके, so read the question. The first question is, the population of a town is increased by 25% in 2000, decreased by 20% in 2001, and again decreased by 20% in 2002. What is the percentage change in 2003 if population in these 3 years, that is from 1 to 3, has increased by 30%, and the at the end of it is given 10 lakhs. Okay, तो आप इसको 30 सेकंड लीजिए, ट्राई करिए, नहीं बनता है तो मैं बताता हूँ। Time starts now. Okay, 1 minute. Okay, ठीक है, 1 minute लीजिए, try करिए। चलिए अलग अलग स्टेट से यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, दैट्स गुड। ओके, चलो बना बना नहीं बना जाने दो, हमको कहीं पे भी टेंशन नहीं लेना है, उसको एकदम प्यार से देखो और उसको कॉम्प्लेक्स बस मत करिए आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन को जाने दो, आप क्वेश्चन के बाहर आओ, क्वेश्चन के बाहर कुछ चीज़ों को समझो। देखिए यदि मान लीजिए कोई भी वैल्यू है एक्स, यदि मैं उसको 10% से बढ़ाता हूँ तो
तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 11 बाई 10 से, क्योंकि 11 बाई 10 से मैंने कितने से बढ़ाया, 10% से, 10% मतलब 1 बाई 10 से बढ़ा देना। यदि आप किसी को 10% से बढ़ाते हो मतलब वो क्या कर रहे हो आप, 1 बाई 10, क्यों किया मैंने ऐसा। यदि मान लो वैल्यू 100% है उसको मैं कितने परसेंट से बढ़ाता हूँ, 10% से, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1 बाई 10। यदि कोई वैल्यू को मैं 20% से बढ़ाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 100% है कितने से बढ़ाया, 20% से, 100% मतलब 1 होता है, 1 प्लस 1 बाई 5, तो कितना हो जाएगा, 6 बाई 5। क्लियर है ये चीज़। अब यदि आप सोचो किसी वैल्यू को कम करते हो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ तो कम करोगे तो क्या करोगे, माइनस, तो 100% माइनस 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90%, या फिर 1 माइनस 1 बाई 10 कितना हो जाएगा, 9 बाई 10। 20 से कम करोगे तो 1 माइनस 1 बाई 5 तो कितना हो जाएगा, वो 4 बाई 5। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 10 से बढ़ रहा है तो 10 प्लस 1 कर दो 11 बाई 10, और 10 से कम हो रहा है तो 10 से माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 9 बाई 10। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। चलो देखते हैं किसी का आंसर आया कि नहीं। चलो ठीक है, अब देखते नहीं आया तो ध्यान दो। मैं मान लेता हूँ कि जो पॉपुलेशन थी ना स्टार्टिंग में 2011 इन द ईयर 2000, एट द स्टार्टिंग ऑफ 2000, उसको मैं ओरिजिनल पॉपुलेशन मान लेता हूँ। परसेंटेज, देखो क्वेश्चन किसमें पूछा है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। तो आप उसको जो नंबर वहाँ पे लिखा है 10 लैक्स, उसका यूज़ किए बिना भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में 2000 के स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, ओ, या फिर आप लोगों को ओ पसंद नहीं आता, उनको आप क्या मान लो, एक्स। पॉपुलेशन कितनी थी, एक्स। पहले साल पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ी, 25 से बढ़ी है ना, तो 1 प्लस 1 बाई 4, 25 मतलब कितना होता है, 1 बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये, 5 बाई 4। ये फर्स्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है, 2000 में पॉपुलेशन एंड तक इतनी हो गई। अब ये आपकी नई पॉपुलेशन बन गई, ठीक है। अब आपकी पॉपुलेशन देखो क्या होती है, अगले साल 2001 में, ये 2000 की कहानी है। अब अगले साल सेकंड ईयर में पॉपुलेशन कितने से बढ़ती है, अच्छा अब बढ़ नहीं रही, अब क्या हो रही है, पॉपुलेशन घट रही है, 20% से रिड्यूस हो रही है। तो 20% से रिड्यूस हो रही है, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 बाई 5। क्यों 4 बाई 5, 20 से बढ़ता है तो आप क्या करते हो, 1 प्लस 1 बाई 5, और 20 से घटेगा तो क्या करोगे, 1 माइनस 1 बाई 5। तो यानी कि आप क्या करते हो, जब बढ़ेगा तो 5 प्लस 1 6 बाई 5 कर दो, और जब घटेगा तो 5 माइनस 1 4 बाई 5 कर दो। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये दूसरे साल की कहानी हो गई। अब आपकी पॉपुलेशन जो तीसरे साल में है वो क्या होती है, वो भी आपको दिया हुआ है। तीसरे साल अगेन इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 20%। 20% से डिक्रीज हुई तो फिर से कितनी हो गई, 4 बाई 5। अब ऐसा पूरा होने के बाद ये पहला साल 2000, 2001, 2000, दूसरा साल, तीसरा साल, और तीन साल के बाद आपकी पॉपुलेशन कितने से बढ़ जाती है, तीन पॉपुलेशन के बाद आपकी पॉपुलेशन 30% से बढ़ जाती है। यानी आपकी पॉपुलेशन 100 से कितनी हो गई, 130, यानी रेशो क्या बन गया, 13:10। चलिए ये समझ आया कि नहीं, थोड़ा सा कठिन हो गया क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं, पेपर का क्वेश्चन है इसीलिए इतना कठिन है। आप इसको ऑब्जर्व करो, ये मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, पहले साल 5 बाई 4 हो गया, दूसरे साल कम हुआ इसीलिए 4 बाई 5 हो गया, तीसरे साल फिर से कम हुआ इसीलिए क्या हुआ, 4 बाई 5 हो गया। अब सॉरी एक और ईयर है, एक्सट्रीमली सॉरी, उसमें एक और ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एक और ईयर है, वो पढ़ने में गलती हो गई। चलिए एक और ईयर दिया हुआ है, वो आपको निकालना है। सो दैट इज फर्स्ट ईयर, दैट इज सेकंड ईयर, दैट इज थर्ड ईयर, और ये फोर्थ ईयर में क्या हुआ ये आपको निकालना है। और चार साल के बाद आपकी पॉपुलेशन 100 से कितनी हो गई, 130, यानी रेशो क्या हो गया, 13:10। देखो ये पहला पॉपुलेशन इंक्रीज, ये दूसरा डिक्रीज, ये तीसरा डिक्रीज, और ये आपको निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5, 5, 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5 1 5 2। यदि आप इसको ऑब्जर्व करो तो रेशो कितना हो जाएगा, 13:8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13:8।
ये पहला इंक्रीज, ये दूसरा डिक्रीज, ये तीसरा डिक्रीज और ये लास्ट वाला डिक्रीज। सो यदि हम आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर में क्या हुआ, पॉपुलेशन 8 से बढ़ गई, कितनी हो गई 13, तो इंक्रीज कितना हुआ 5, तो 5 बाई 8 से इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई पॉपुलेशन 13, सो व्हाट इज द इंक्रीज 5, और 8 से इंक्रीज हुआ है प्लस 5, सो 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8, वी नो द वैल्यू ऑफ 1 बाई 8 कितना होता है 12.5%, 3 बाई 8 मतलब कितना होगा 37.5%, तो 5 बाई 8 मतलब होगा आपका 62.5%। ओके चलिए देखते हैं समझ आया कि नहीं। अच्छा इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लगता है मुझे, ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। चलो पहले हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, उसको मैं लिखता हूं ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो रियल में थी उसको मैंने लिखा ओरिजिनल पॉपुलेशन। फिर पहले साल पॉपुलेशन कितने से बढ़ती है, पहले साल पॉपुलेशन बढ़ती है 25% से, तो 25 से बढ़ती है ना कितनी हो जाती है 5/4। एक एक स्टेप वाइज चलते हैं, तो पहले बताओ ये पहला इंक्रीज आपके समझ में आया कि नहीं, ये पहले पॉपुलेशन थी ओरिजिनल पॉपुलेशन, उसको मैंने कितने से बढ़ाया 25 से, तो किससे मल्टीप्लाई किया 5/4 से, 1 + 1/4 इज 5/4। ये समझ आया कि नहीं, एक एक करके चलते हैं, एक एक स्टेप करके। इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर, ओके चलिए अब सेकंड स्टेप में आते हैं। आप ही बताइए सेकंड पॉपुलेशन कितने का, सेकंड ईयर में पॉपुलेशन कितने से कम हो रही है, 20% से कम हो रही है, 20% से कम हो रही है यानी 80% हो रही है, यानी 1 - 1/5, तो यहां पर मैं लिखता हूं 4/5, मैंने कम कर दिया 5 - 1 = 4, तो 4/5। ये समझ आया कि नहीं बताइए अब सेकंड स्टेप, समझ आ रहा है तो यस करिए, ओके गुड, ये स्टेप भी क्लियर है। चलिए अब हम लोग थर्ड स्टेप में आते हैं, तीसरे साल देखो पॉपुलेशन फिर से कितने परसेंट से कम हो रही है, इन द थर्ड ईयर अगेन द इट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, तो फिर से मैं किससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कम हुआ है ये पहले दूसरा साल का कम हुआ और ये तीसरे साल का कम हुआ 20%, तो ये तीन स्टेप्स आपके समझ आए कि नहीं, ओके चलिए ये स्टेप भी क्लियर है। अब लास्ट ईयर में क्या हुआ वो आपसे क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन 2013, 2013 में क्या कहानी है वो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, ये 2003 की स्टोरी आपसे पूछा है, और इन तीन सालों में ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, इन तीन सालों में ये ओरिजिनल पॉपुलेशन कितने से बढ़ गई 30% से बढ़ गई, तो मैं लिख सकता हूँ ना ये मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इन चार बार इंक्रीज होने के बाद जो मेरी नई पॉपुलेशन हो गई वो कितनी हो गई 130% ऑफ ओरिजिनल। ये समझ आया कि नहीं, पहले मेरी पॉपुलेशन ओरिजिनल थी, फिर फर्स्ट ईयर में बढ़ा, सेकंड ईयर में कम हुआ, थर्ड ईयर में कम हुआ, फोर्थ ईयर में क्या हुआ नहीं पता, वो निकालना है, और इन चार सालों के बाद मेरी पॉपुलेशन कितने से बढ़ गई 30% से, यानी कितनी हो गई 130%। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, या इज ओरिजिनल पॉपुलेशन एक्स, ओके यू कैन अज्यूम इट एज एक्स, नो इशू, नहीं नो दिस इज नॉट ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन नहीं, ये थर्ड ईयर में क्या फोर्थ ईयर में क्या हुआ वो है, ये दिस इज नॉट ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन यहां पे है, ये फोर्थ ईयर में क्या हुआ बड़ा घटा जो हुआ वो निकालना है आपको, दिस इज अननोन, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप सीधा रेशो कितना बोलोगे 13/10, 130/100 दैट इज 13/10। ये स्टेप समझ आया कि नहीं, चलो अब देखो, अब ये ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख के बोल सकते हो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, व्हेन यू सॉल्व इट फॉर एक्स कितना हो जाएगा 5 1 = 5 2 = रेशो क्या बन गया 13:8। अब आपको इस रेशो को ऑब्जर्व करना है, इसी रेशो में पूरी कहानी छुपी हुई है, ये पहले साल की कहानी, ये दूसरे साल की कहानी, ये तीसरे साल की कहानी, और एक्स मतलब ये चौथे साल की कहानी है, चौथे साल में ये हुआ, क्या हुआ चौथे साल में, देखो पहले साल के एंड में पॉपुलेशन 4 थी, वो एक से बड़ी कितना हो गया 5, दूसरे साल के बिगनिंग में कितनी थी 5, एक से बड़े कितनी हो गई 4, तीसरे साल के बिगनिंग में 5 थी, एक से बड़े कितनी हो गई, एक से घट के कितनी हो गई 4,
यहाँ पे देखो, तीस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे साल के स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितनी थी? 8. कितने से कम हो गई? 5 से. तो कितने का रिडक्शन है? -5. -5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8? सॉरी, +5. 8 से कितनी हो गई? 13. सो +5/8. पहले साल 4 से 1 हुआ 5, दूसरे साल 5 से 1 रिड्यूस हुआ 4, तीसरे साल फिर से 5 से 1 रिड्यूस हुआ 4, चौथे साल क्या हुआ? 8 से 5 इंक्रीज हो गया. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5. 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8? सो 5/8 इज नथिंग बट 62.5%. ये आपके पेपर का क्वेश्चन है. अब इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको ये परसेंटेज लिखना था और एक्स के लिए सॉल्व करना था और आखिरी में इस रेशो का मतलब समझना था. ओके, सो दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंपल है, वहाँ पे ऐसे 4-5 फैक्टर नहीं है, केवल 2-3 फैक्टर है. चलिए देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं जो पेपर में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके स्क्रीन में आएगा. ओके चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड. ओके द क्वेश्चन इज, ओके ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, इसको लास्ट में देखेंगे. अगले क्वेश्चन में आइए, ये भी टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको लास्ट में देखेंगे. हाँ, टैक्स सेल्स वो सिंपल है. चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, टैक्स और सेल्स वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आएगा. पहले एक बेसिक सी चीज समझ लो, जब आप टैक्स को, टैक्स रेट को सेल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलती है? रेवेन्यू. गवर्नमेंट को क्या मिलती है उससे? रेवेन्यू. ठीक है, आपने यदि मान लो एक सामान में 10 रुपये का टैक्स दिया और आपके टोटल 100 सामान बिके हैं तो सरकार को कितनी रेवेन्यू हो गई? 1000 रुपये की. तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, टैक्स को जब आप सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रेवेन्यू. चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है, आपके स्क्रीन में, आप क्वेश्चन को पढ़िए. देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 62/3%. चलिए देखते हैं, 62/3 को सबसे पहले देखते हैं, देखने में एकदम कठिन सा फ्रैक्शन लग रहा है. तो मेरा पहला टास्क है हर कठिन चीज को एलिमिनेट करना. तो यदि आप इसको एलिमिनेट करोगे, 6 × 18 = 20, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 20/3% का मतलब ÷100. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/15. मेरे ख्याल से बहुत लोग का ये आ गया होगा. अब देखिए टैक्स रेट इंक्रीज हुआ है ना, तो 15 से 1 बढ़े कितना हो गया? 16. 15 था, 1 से बढ़ गया कितना हो गया? 16. वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने किया था. उसके बाद सेल्स में क्या कहानी बैठती है देखते हैं. देखिए सेल्स में लिखा है सेल्स भी बढ़ गया, यानी टैक्स भी बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने और सेल्स भी बढ़ गया, यानी गवर्नमेंट की चांदी, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आएगा. देखो गवर्नमेंट के पास सेल्स कितने से बढ़ा? 25 से बढ़ा, यानी 4 से कितना हो गया? 5. 25% मतलब कितना होता है? 1/4. तो 4 था, 4 से सेल्स बढ़ गया, कितना हो गया? 4+1 = 5. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेस में हमेशा ओरिजिनल चीज आती है. तो ये क्या है? पुराना ओरिजिनल टैक्स है. ये क्या है? नया टैक्स है. कितने से बढ़ा? 1 यूनिट से. ये कौन सा है? पुराना सेल्स है. ये कौन सा है? नया सेल्स है. कितने से बढ़ा? 1 यूनिट से. तो बेस में हमेशा क्या आ रहा है? ओरिजिनल. चलिए तो ऐसा करने से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपके रेवेन्यू पे क्या प्रभाव पड़ा, 4 1s are 4 4s are, और नीचे क्या हो जाएगा? 5 1s are 5 3s are. तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, रेवेन्यू का रेशो क्या बन गया? 4:3. इसका मतलब समझो क्या होता है, पहले आपके पास रेवेन्यू कितनी आती थी? 3 यूनिट. वो कितने से बढ़ गई? 1 यूनिट से. क्योंकि कभी भी जिससे आप कंपेयर करते हो हमेशा बेस में आता है, डिनोमिनेटर में आता है. तो 3 से 1 बढ़ गए कितना हो गया? 4. 3 से 1 बढ़ गए कितना हुआ? 4. सो 3 से 1 बढ़ा, 3 से 1 बढ़ा मतलब 1/3. 1/3 मतलब आपकी रेवेन्यू कितने से बढ़ गई?
गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई 33.33% से. ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, जस्ट बाय एनालाइजिंग द रेशियो. बस मैं क्या किया हूँ, रेशियो को एनालाइज कर रहा हूँ. चलिए, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? इफ यस देन डू कमेंट, फिर हम लोग आगे चलते हैं. ओके, मोनिका साहू हैज गिवन द राइट आंसर. ओके, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट गॉट इट. तो देखिए, ये जो लास्ट में दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं ना, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स हैं. ये जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया, ये आपके क्लैट का, हाँ ये आपके क्लैट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और उसके पहले का क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है. तो देखिए, बैंक का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है, बट आप क्लैट दे रहे हो तो भी आप बैंक के सॉल्व करो. प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे. ठीक है, तो हम इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चलेंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में. सो आप सैटरडे को 6 PM सेम पोर्टल पे फिर से हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे. तो आप सभी आइए, वहाँ पे हम इस क्लास में और आगे जाएंगे और एक दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पिछले साल में पूछे हुए. थैंक यू.